नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। स्वाति मालीवाल केस में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख नजर आया है, जहां पर उन्होंने कई सारे सवालों की बौछार खड़ी कर दी विभव कुमार के खिलाफ। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या सीएम हाउस में गुंडे होने चाहिए। कहा विभव को मालीवाल की फिजिकल स्थिति पता थी, फिर भी उसे पीटा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे गुंडों को सीएम आवास में होना चाहिए क्या। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पीड़िता की शारीरिक स्थिति को जानता था, इसके बाद भी मारपीट की गई, इसके बावजूद भी आप बचाने के लिए पैरवी कर रहे हैं। विभव कुमार के पक्ष में जो वकील पैरवी कर रहा है उनसे ये सवाल पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। जरा आप सोचिए कि कितनी नाराजगी व्यक्त की गई है। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम एक बार आपको बता दें कि आखिरकार ये मामला है क्या। 3 पॉइंट्स में पूरे मामले को समझिए आप। विभव पर आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से 13 मई को सीएम आवास पर मारपीट का आरोप लगा है। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने 16 मई को FIR दर्ज की थी। तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल ने दावा किया था कि वो केजरीवाल से मिलने के लिए उनकी आवाज गई थी, वहां पर विभव ने उनके साथ उन्हें सीएम से मिलने के लिए रोक दिया, मारपीट की गई। विभव ने उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे, पेट और प्राइवेट पार्ट में लात मारी इनसे, और इस वजह से उनके शर्ट के बटन टूट गए। मालीवाल के मुताबिक उनके कपड़े खुल गए थे, लेकिन विभव उन्हें मारना नहीं छोड़ रहे थे, लगातार उनके ऊपर हावी हो रहे थे। विभव ने उनका सिर टेबल पर पटक दिया। केजरीवाल घर पर थे लेकिन फिर भी कोई मदद के लिए नहीं आया है। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि वो चिल्लाती रहीं, इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया लेकिन उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया, कोई रोकने के लिए विभव को आगे नहीं आया है, और ये पूरा घटनाक्रम तब से सामने आया हुआ है। देखिए आप, इस पर लगातार सुनवाई हो रही थी। ये पूरा मामला 13 मई का बताया जा रहा है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जब सुनवाई की तो काफी नाराजगी भी व्यक्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का जिक्र करते हुए कहा कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे सीएम हाउस में कोई गुंडा घुस गया हो। सीएम आवास किसी का निजी बंगला नहीं है, वहां के कुछ नियम हैं जिन्हें फॉलो किया जाना चाहिए। 7 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होनी है, लेकिन उसके पहले जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, विभव कुमार के पक्ष में पैरवी करने वाले वकील से जिस तरीके से सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूछा, उसके बाद से अब राजनीति भी गरमाई हुई है। विभव कुमार की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और वह सबूतों और गवाहों से छेड़खानी कर सकता है। कोर्ट ने मामलों में दायर चार्जशीट को पढ़ने के लिए समय मांगते हुए सुनवाई अगले बुधवार तक टाल दी है। जमानत याचिका में कहा गया था कि उन पर लगे आरोप झूठे हैं, मामले की जांच पूरी हो चुकी है, ऐसे में विभव को हिरासत में रखे जाने की जरूरत नहीं है, ये पैरवी की जा रही थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, विभव कुमार अभी हिरासत में ही रहेंगे और इसमें अभी आगे 7 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी। देखिए, विभव के खिलाफ FIR जो दर्ज की गई है उसमें कुछ धाराएं लगाई गई हैं, वो कौन कौन सी धाराएं वो भी आपको एक बार स्पष्ट कर देते हैं। 354B, निर्वस्त्र करने के इरादे से महिला पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल। 308, गैर इरादतन हत्या की कोशिश। 323, मारपीट करना। 506, आपराधिक धमकी देना। 509, अपमान के इरादे से शब्द बोलना या इशारा करना। ये 5 धाराएं हैं जो स्वाति मालीवाल के केस में विभव कुमार के खिलाफ लगाई गई हैं और इस पर लगातार सुनवाई हो रही है। विभव कुमार के पक्ष में वकील ने कहा कि सारे जो दस्तावेज हैं, जो सबूत हैं, वो जांच पूरी हो रही है, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो झूठे हैं और ऐसे में विभव को हिरासत में रखे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, उन्होंने बोला कि अभी विभव कुमार हिरासत में ही रहेंगे, मामले की अगली सुनवाई होगी उसके बाद ही कुछ क्लियर होगा। यानी कि 7 अगस्त तक अभी भी विभव कुमार हिरासत में रहेंगे, पुलिस कस्टडी में रहेंगे और 7 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। देखना होगा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ निर्णय सुनाता है।